डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने एक नई सीरीज शुरू की थी। सीरीज क्या थी? रीजनिंग की। रीजनिंग में हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर में कुछ एक फॉर्मूले लिखा थे आपको। ठीक है, तो आज उन्हीं पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कैलेंडर क्या होता है और उसमें क्वेश्चंस कैसे निकालेंगे। तो पहला, आपको ये पता है कि वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, मंथ में 28, 29, 30 या 31 ये डेज हो सकते हैं। ठीक है, अगर लीप ईयर होगा तो फेब में 29 होंगे और नॉन लीप ईयर होगा तो 28 होगा फेब में। ये तो फेब की बात होगी, बाकी 30 और 31 डेज होंगे। ठीक है, कैसे पहचानोगे कोई ईयर वो लीप ईयर है या नहीं है? तो देखो, जैसे कोई भी 2014, 2016, 20 और 2004 ले लेते हैं, ऐसा ईयर जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसे हम बोलते हैं लीप ईयर। अदरवाइज वो सारे के सारे ईयर्स कैसे कहलाएंगे आपके? नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर 4 से डिवाइड नहीं होगा और लीप ईयर 4 से डिवाइड होगा, पहली चीज। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑड डेज, जैसे पूरे मंथ में जैन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैन में 31 डेज होते हैं। फिर हम इसको क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर बचेगा उसी को हम बोलते हैं ऑड डेज। ये चीज समझ में आ गई। अब ऑड डेज हो गया, लीप ईयर कैसे निकालोगे ये चीज क्लियर हो गई। अब हम एक बार फिर से फॉर्मूला रिमाइंड करते हैं, आपका फॉर्मूला क्या है? तो कल मैंने एक फोन नंबर दिया था आपको, किसी का याद आ गया क्या? फोन नंबर याद हो गया सभी को? कौन सा था? 144025036 और कितना था? 146। बस एक ही फॉर्मूला याद करना, ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्या था आपका? जैन, फेब, मार्च, ये मार्च का है, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। 144025036 और 146 यही था। ये जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखनी है आपको। सेकंड थी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 0, ये तो हो गए आपके मंथ कोड। मंथ कोड के बाद डेज, डेज कोड, ये होता आपका संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये आपका सैटरडे। इस वाली ट्रिक में आपका जो संडे होगा वो फर्स्ट डे होगा, बाकी जो ट्रिक्स होती हैं उनमें संडे कहाँ से स्टार्ट होगा? 7 नंबर पे, मंडे 1, देन 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। बट इस वाली ट्रिक में अगर आप ये यूज करें 1, 4, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6 और 1, 4, 6, इस वाले केस में आपको ये वाला डे कोड लेना है। दो चीजें हो गई। थर्ड फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला है आपका, देखिए, सबसे पहले आता है आपका डेट, फिर आता है आपका मंथ, फिर आता है आपका ईयर, फिर आपका आता है लीप ईयर, लीप ईयर के बाद आता है सेंचुरी, फिर उसको 7 से डिवाइड कर दो। डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी, इसका कोड पता चल गया, इसका कोड पता चल गया, इनका इनका, और ये क्या है आपका? सेंचुरी। सेंचुरी का कोड कैसे निकालते हैं? देखो, कोई भी सेंचुरी हो,
उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंचुरी हो उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर जीरो हो, शेषफल अगर जीरो हो, तो उसका कोड होता है 6। ध्यान दीजिएगा, उसका कोड कितना होगा 6। तो 1600 से लेके 1699 तक जो आपका कोड होगा वो कितना रहेगा? 6। ये याद रखिएगा। इसी तरीके से 1700 ले लिया और 400 का डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कितना आया? 1। 1 आते ही इसका कोड कितना हो जाएगा आपका? 4। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 1700 से 1799 तक दो चीज़ें हो गई। थर्ड, 1800 4, रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1800 से लेके 1899, इसका कोड कितना रहेगा? 2। लास्ट वाला 1900 400 डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। जिसका रिमाइंडर 3 आएगा उसका कोड हमेशा कितना रहेगा? 0। तो 1900 से 1999 तक का कोड कितना आएगा? 0। ये चीज़ याद रखिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? एक तीन चीज़ें बस याद रखनी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर लोगे, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, उसमें तो बस नॉर्मल बहुत इजी होंगे, इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। जो एग्ज़ाम में आएगा वो इन ट्रिक से हो जाएगा, ये श्योर हूँ मैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है आपकी? 144, 025, 036 और 146। अगर ये लीप ईयर हो, लीप ईयर में जैन का कोड वो हो जाता है 0 और फैब का कोड हो जाता है 3। ये चीज़ याद रखिए, ये कितना आ जाएगा? 0, ये 3, बाकी सारा एज इट इज, यही याद रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर में ऐसा होगा, नॉन लीप ईयर में आपका यही रहेगा 144, 025, 036, 146। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलिए अब एग्जांपल्स करते हैं ढेर सारे आज। तो एग्जांपल्स कैसे होंगे? देखो, दो टाइप के क्वेश्चन जो मोस्टली पूछे जाते हैं, या तो वन स्टेटमेंट होगा या टू स्टेटमेंट होगा। बात करते हैं वन स्टेटमेंट की। वन स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया, ठीक है, उस क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, बस। टू स्टेटमेंट क्वेश्चन में क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को ये डे था, तो 26 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट क्वेश्चन हो गया। तो वन बाय वन, इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक तो बैकवर्ड होगा, एक फॉरवर्ड होगा, मतलब 1950 से 2000 में जाना होगा, या 2002 में जाना होगा, या 2020 में जाना होगा। अब दूसरा क्या होगा कि 2020 दे दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि 1600 में कौन सा, इस डेट पे कौन सा दिन था, ऐसा। तो बैकवर्ड भी होगा और फॉरवर्ड भी होगा। ठीक है, बैकवर्ड वो जिसमें पीछे जाना है हमें, फॉरवर्ड वो जिसमें हमें आगे जाना है। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे, तो वन बाय वन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यही ले लेते हैं, 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था। तो देखिए यहाँ पे 26 जनवरी, फॉर्मूला यूज कर लीजिए फटाफट, 26 जनवरी कोड 1, क्योंकि 50 ये लीप ईयर नहीं है, अगर लीप ईयर होता तो 0, फिर 50 प्लस, देखो 50 ईयर तो ये सीधे सीधे हो गए, और इसमें लीप ईयर कितने होंगे ये याद रखिए। तो 1950 में 50 ईयर में लीप ईयर कितने होंगे? 12 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा? 12 चौक 48। ठीक है, सॉरी 4 से डिवाइड करना है, तो 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 तो आपका भागफल आ जाएगा, तो 12 तो लीप ईयर होंगे इसमें। ठीक है, 1900 का कोड मैंने अभी भी बताया कितना था? 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 7, सबको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा ये देखो, 2 एक 3 और 6 9, और यहाँ पे कितना आ गया? 2 5 7 और 1 8 बटे 7, ये कितना डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 और 5, तो भागफल कितना आया?
भागफल आ गया 12, शेषफल कितना आ गया, शेषफल 5। तो हम डिस्कस किस पे करेंगे, शेषफल पे, भागफल से हमें मतलब नहीं है। तो शेषफल कितना, 5। 5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, गुरुवार। तो उस दिन कौन सा वार होगा, गुरुवार। ये चीज़ क्लियर हो गई सभी को। तो ये वन लाइनर स्टेटमेंट थे, इसमें हम क्या करेंगे, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लिखना है और वन लाइनर क्वेश्चन आपका हो जाएगा सिंपली, ठीक है। और कोई आज की डेट निकाल दें, चलिए आज है आपका 25, 26 अप्रैल 2021 को कौन सा वार है, या होगा जो भी हो। तो 26 डेट, अप्रैल कोड यहाँ पे देख लो, ये अप्रैल 0, दो चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पे कितना, 21, लीप ईयर 5, 2000, 2000 में कितना होता है, 6/7। हाँ भाई कितना आ गया, 6 5 11, 12 6 18, 2 2 4 1 5, बर्थडे 7, कितना हो गया ये, 7 7 49 57 56, कितना बचा, 2। भागफल कितना है, 2। 2 पे क्या है, यहाँ पे देखिए 2 पे क्या है, मंडे। आज का दिन क्या है आपका, मंडे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। अब टू स्टेटमेंट क्वेश्चन करते हैं। टू स्टेटमेंट में दो क्वेश्चन है। पहला है 17 दिसंबर 1899 को सैटरडे था, तो 22 दिसंबर 1901 को कौन सा वार होगा। दूसरा 15 जनवरी 1993 को मंडे था, तो 17 अगस्त 2004 को कौन सा वार होगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है। तो अब देखिए अपने वाले फॉर्मूले से चेक करेंगे कि क्या 15 जनवरी 1993 को मंडे था या नहीं था। तो देखते हैं पहले 15 जनवरी, जनवरी का कोड कितना आपका 1 1993 93 हो गया, प्लस कितना आएगा, लीप ईयर कितने होंगे इसमें, 23। कैसे, 4 से डिवाइड कर देना। तो 4 से डिवाइड करोगे कितनी, भागफल कितना आएगा इसमें, 23। प्लस 1900 का कोड कितना होता है आपका, 0/7। सॉल्व करो इसको थोड़ा सा, कितना आ जाएगा ये, 3 3 6 1 7 5 12 9 1 10 2 11 और 1 12, 9 1 10 2 12 और 1 13 बटे 7, कितना आ गया ये, 132। 132 को 7 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं शेषफल कितना आता है। तो देखिए यहाँ पे 7 एकम 7 6 13 62 7 8 56 18, ये हो गया 7 8 56 और 6 62। तो ये कितना आ गया, 6 6 पर कौन सा वार आता है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, शुक्रवार, शुक्रवार। लेकिन यहाँ पे क्या है, मंडे दिया गया है, आया तो आपका शुक्रवार है ना, तो ये तो गलत है। तो हमारा फ्राइडे आया, तो कितने दिन ऐड करें कि मंडे आ जाए, 3 दिन। कौन कौन से, सैटरडे संडे और मंडे, 3 दिन, सैटरडे संडे और मंडे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप। तो अब हम इस वाले रूल, इस वाले का निकालते हैं और उसमें कितना ऐड करेंगे, 3। तो देखिए कैसे, 17 प्लस अगस्त 2004 क्या है, लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हम केवल जैन और फेब के कोड चेंज होते हैं, तो अगस्त का कोड अभी भी सेम ही रहेगा। अगस्त का कोड कितना आपका, 3, ठीक है। 4 प्लस 1, क्योंकि लीप ईयर 1 आएगा 4 साल में, प्लस 2000 में कितना होता है, सेंचुरी गुड, 6/7, ये कितना आ जाएगा आपका, 6 4 10 1 11 3 14 14 7 21 21 10 31 31 बटे 7, कितना आ गया ये, कितना बार जाएगा, 7 4 28, रिमाइंडर कितना बचा, 3। 3 पर क्या है आपका, ये ट्यूसडे, ठीक है। फिर इसमें कितना ऐड करना है, इसमें कितना ऐड करना है, 3। तो देखो ये क्या आ गया, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार। तो उस दिन कौन सा डे होगा आपका, शुक्रवार, ये चीज़ याद रखना। एक चीज़ और हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं है कि जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है वो आपका ट्रिक से भी निकला है। तो ये चेक करने के लिए पहले ये निकालो आपका इस फॉर्मूले से कौन सा वार आ रहा है। तो आपका वार आ रहा था शुक्रवार,
शुक्रवार, और इसमें क्या आ रहा था आपका सोमवार, तो कितना और ऐड करें, शुक्रवार 3 दिन ऐड कर दिया। इसी तरीके से इसमें जो भी आएगा उसमें 3 दिन ऐड कर देना। तो जैसे हमने 3 दिन ऐड किया, आपका फाइनल आंसर क्या आया, शुक्रवार। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये आपका होमवर्क है, या आप लोग अभी जस्ट कमेंट करके बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं इसका सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से बताइए कि इसका सोल्यूशन कितना होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, उसका आंसर निकाला, ठीक है, आप लोग कमेंट कर देना। आप कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं जो बैक डेट के क्वेश्चंस निकालने हैं, बैक डेट का वार निकालना। जैसे 1 मार्च 2008 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा वार होगा, 1 मार्च 2002 को निकालना है, 2008 का दिया गया तो ये बैक ईयर हो गया। 21 जनवरी 2017 को शनिवार था, तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा वार होगा, ठीक है। तो और कोई ट्रिक से करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही बड़े हो जाएंगे, तो अपनी ट्रिक बस एक ही है, सबसे पहले ये चेक करना कि क्या 21 जनवरी 2017 को शनिवार था या नहीं था। तो बस अपना फॉर्मूला, सबसे पहले डेट, डेट के बाद मंथ कोड, मंथ कोड कितना होगा इसका, एक होगा, क्योंकि 2017 लीप ईयर नहीं है। फिर कितना आएगा, 17, फिर लीप ईयर कितने होंगे, 17 में 4 होंगे, 4 × 16 प्लस 6, 6 क्या सेंचुरी कोड है, डिवाइडेड बाई 7, तो देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 10, 10 और 7 = 17, 17 × 1 = 18, 18 × 1 = 19, 19 × 9 2 और 1 = 3 और 1 = 4, 7 × 7 = 49, ये कितना आ गया आपका, शेषफल 0, 0 पे क्या है आपका, शनिवार है। तो ध्यान से देखिएगा, शनिवार एकदम करेक्ट है, तो 0 पे आ गया आपका शनिवार, मतलब ये जो डे दिया गया था ये एकदम करेक्ट है। अब ये वाला निकालते हैं, 31 अगस्त, अगस्त कोड देख लीजिए कितना है, 3 है, अगस्त का कोड 3 है। फिर कितना है, 2011, 11 में कितना लेना, सिर्फ लास्ट के दो डिजिट 11, प्लस 11 में लीप ईयर कितने होंगे, 2, 4 × 8। फिर सेंचुरी कोड कितना होगा, 6, क्यों, क्योंकि 2000 में कितना होगा सेंचुरी कोड, 6 डिवाइडेड बाई 7, चलिए ये देखिए, 6 × 2 = 8, 8 × 1 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 1 = 13, ठीक है, 6 × 2 = 8, 1 × 9, 9 × 3 = 12, 1 = 13, और 3 × 1 = 4 और 1 = 5, 53/7। जितनी जल्दी आप लोग ये कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी आप लोग ये वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया ये, 53 53/7, 7 × 7 = 49, रिमाइंडर कितना बचा आपका, 4, 4 पे क्या वार है, देखिए ये क्या आपका बुधवार, तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा वार होगा, बुधवार, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है, ट्राई करिए आप लोग फटाफट, जल्दी से ट्राई करिए। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कुछ ऐसा होगा कि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा, 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा वार होगा। तो देखिए इसमें बहुत इजी है, करना क्या है, देखिए लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, आपको ये पता है कि दो टाइप के ईयर होते हैं। तो अगर 1 जनवरी 2019, पहले ये चेक कर लो कि 2019 मतलब ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो 4 से डिवाइड होगा अगर तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नॉन लीप ईयर होगा, तो ये तो नॉन लीप ईयर है, तो 31 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2019 को भी क्या होगा, मंगलवार, ये चीज याद रखिएगा। तो 1 जनवरी 2020 को क्या होगा, देखो लीप ईयर जिस डे से, नॉन लीप ईयर जिस डे से शुरू होगा उसी डे पे खत्म होगा, मतलब अगर 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2019 को भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। तो 1 जनवरी 2020 को क्या हो गया, बुधवार, ठीक है। अब यहां से देखिए ये सेकंड क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 को क्या था, बुधवार, ये मैंने चेन इसलिए बनाई है ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा, 31 दिसंबर 2020, ये क्या लीप ईयर है, हाँ क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा, तो अगर ये लीप ईयर है तो
एक दिन ज्यादा होगा, मतलब 31 दिसंबर 2020 को अब कौन सा वार होगा? गुरुवार। समझ में आ गया? अगर नॉन लीप ईयर है तो सेम डेज, लीप ईयर है तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर को अब क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। तो 1 जनवरी 2021 को अब क्या आ जाएगा? शुक्रवार। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन करेंगे या फिर नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, और मेरा चैनल RR साइंस अब एक बार सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपसे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।